आज का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो कि आप में से ज्यादातर बच्चे गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गलत जाता है। टॉपिक है बेटा एक्सपेंसेस। काफी कॉमन टर्म है ये। हिंदी में एक्सपेंसेस को बोला जाता है खर्चे। अच्छे हमें एक चीज पता है कि जितने भी खर्चे होंगे उन्हें कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस या माइनस? माइनस माइनस। ये हमने नोट 2 में पढ़ा था कि एक्सपेंस और लॉस कैपिटल में माइनस होंगे। मेरा क्वेश्चन है बच्चों से, अभी फिलहाल हम अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे, हमारे लिए खर्चे होते क्या बेटा? कोई भी एक बच्चा जो बोलना चाहता है वो बोल सकता है। सर, गुड्स खरीदे तो वो खर्चे हुआ। ठीक है, हमने गाड़ी खरीदी, खर्चा है। ठीक यस है, गुड्स खरीदना, फर्नीचर खरीदना, मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग, कोई भी चीज अगर हम खरीद रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें हमारे खर्चे हैं। यही है चीज। यस चलो, आप सब लोगों ने बेटा गुड्स खरीदने की एंट्री की थी, परचेज वाली और सेल वाली। फर्नीचर भी खरीदा था, मशीनरी भी खरीदी थी, बिल्डिंग भी खरीदी थी। सभी बच्चे चेक करो, उन सारी एंट्रीज में क्या कहीं पे भी कैपिटल में माइनस हुआ है? आप लोगों ने नो 50 ट्रांजेक्शंस सर। की थी परचेज की, कहीं पे भी चेक करके बता दो अगर कहीं कैपिटल में माइनस हुआ तो। नहीं नहीं हुआ। कृति, मेरा नो क्वेश्चन सर। क्लियर हो रहा है बेटा आपको कि मेरा क्वेश्चन है क्या? यस सर। हमारा क्वेश्चन ये था कि खर्चे क्या हैं। खर्चे होते हैं जब हम फर्नीचर खरीदे, मशीनरी खरीदे, जैसे गाड़ी वगैरह, एसी खरीदा, ये सारे हमारे लिए खर्चे होते हैं। तो अगर ये खर्चे होते हैं तो इन्हें कैपिटल में हमें माइनस करना चाहिए। बट हमने जब परचेज की एंट्रीज की थी, जहां पे हमने गुड्स भी खरीदे थे, फर्नीचर भी खरीदा, मशीनरी भी, बिल्डिंग भी, क्या कहीं पे भी कैपिटल में माइनस किया हमने उन सारी ट्रांजेक्शंस में? चेक करो। नहीं किया। नो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि दो ही चीजें पॉसिबल हैं। पहली चीज पॉसिबल है कि ये सारी चीजें जो हैं, दे आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस। ये खर्चे हमारे नहीं होते। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि परचेज की जो आपने 1 से लेके 50 तक ट्रांजेक्शंस की थी, वो सारी की सारी आपने गलत की है। सर, फर्स्ट वाला सही है। पर ये तो हमारे खर्चे नहीं होते यार। सर, अकाउंट्स में हम फिर बिल पे और इन सबको खर्चे मानते होंगे। नहीं बेटा, कुछ और है चीज। अकाउंट्स हो या रियल लाइफ हो, खर्चे होते ही अलग हैं। देखो, दो ही पॉसिबिलिटी हैं बेटा। इस चीज को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अगर फर्नीचर खरीदना खर्चा है, तो जब आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर प्लस कैश माइनस, तो क्या कहीं पे कैपिटल माइनस हो रहा है? दैट मीन्स वो हमारा खर्चा नहीं है, तभी कैपिटल में माइनस नहीं हुआ। तो अब मेरा क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि खर्चे होते क्या? सर्विसेज बेटा देखो, तुम अकाउंट्स की बात कर रहे हो, मैं अभी कह रहा हूं मुझे अकाउंट्स की बात नहीं करनी, वरना मैं कंफ्यूज करूंगा तो तुम हो जाओगे। अपनी डेली लाइफ से बताओ कि जी हमारे ये खर्चे होते हैं। सर, कुछ यही जो आपने भी लिखे सर, जरूरत गुड्स होती है। खरीदना, कपड़े खरीदना, जूते खरीदना। जूते खरीदना अगर एक्सपेंस है, तो जब तुमसे मैंने फर्स्ट क्लास में पूछा था कि तुम्हारी असेट्स क्या होंगी अगर आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट पे हो, तुमने कहा था सर हमारे कपड़े, हमारे जूते, ये सारे हमारी असेट है ना? सर, उधार उधार पे अगर हम लेते हैं, क्रेडिट पे गुड्स या फिर कुछ भी, तो वो खर्चे आए। चलो, हमने उधार पे गुड्स खरीदे, एंट्री हो गई गुड्स में प्लस और क्रेडिटर में प्लस, क्या कहीं कैपिटल में माइनस हो रहा है? तो सर, कैपिटल भी तो लाइबिलिटी का ही पार्ट है। सर, पर क्या माइनस हुआ उसमें? जो हमारे लॉसेस होते हैं वो एक्सपेंसिव। लॉस एक्सपेंस होते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। लॉस अलग चीज है, एक्सपेंस अलग चीज है। सर, हम जिन चीजों पे, मतलब एक्सपेंस किसी चीज पे जैसे खर्चा करते हैं और जिस जिससे हमें पैसा वापस मिले, उन पे एक्सपेंसेस करना खर्चा होगा। जैसे कि किशन,
एग्जांपल नहीं आ रहा ना, बता देता। तो अभी जो बताया तूने वो वैसे ही गलत है। तूने कहा सर खर्चे वो होते हैं जैसे कि हम किसी चीज पे खर्चा करते हैं, तो ये तो टर्म आ गई बीच में, खर्चा। अब खर्चा सर है क्या? जिससे कैपिटल भी देना पड़े, जैसे बिजनेस हो गया। देखो तो मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं तुम्हारी लाइफ की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ में भी कुछ खर्चे होते हैं। इसमें ऐसे नहीं हो सकते जैसे कि हम कोई कर कोई चीज पीते हैं तो हम बोलते हैं कि इतने की चीज आ गई, वो इस साल बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए। किस चीज में बेटा? सर मतलब डेली लाइफ में जो हम बहुत चीजें खरीदते थे जैसे कि हमने सेलफोन खरीदा, क्या वो खर्चा है? तो वो तो खुद इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये सारी चीजें भी तो इन्वेस्टमेंट ही थी। ये इन सारी चीजों में अगर आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं तो आपके पास एक एसेट आ भी तो रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो मेरी एक असेट कम हो गई और दूसरी असेट बढ़ गई, तो इसमें खर्चा कहाँ हुआ? कल को ये वाली असेट बेच देना, पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास वापस। सर इस हिसाब से तो फिर लॉस ही हुआ ना सर, खर्चा सब हमारे पैसे नहीं, जा तो लॉस में ही रहे ना। आहा, कुछ और चीज है। चलो मैं अब एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। तुम लोग वहां इंश्योरेंस इंश्योरेंस, चलो मैं इसके बारे में बात करता हूँ, पहले तुम्हारी डेली लाइफ की बात करते हैं। यस कशिश, आप कुछ कह रहे थे बेटा? सर, गुड्स पे जरूरी थोड़ा ना खर्चा हो, सर्विसेज पे भी तो हो सकता है। जैसे कि जैसे अगर कोई मेड काम करती है तो वो अपनी सर्विस दे रही है और हम उसे पैसे दे रहे हैं, तो क्या वो खर्चा है हमारे लिए? सर खर्चा तो है ना। यही सही जवाब है। देखो एक्सपेंसेस जो होते हैं बेटा, इनका रिलेशन ना पता क्या होता है, आप लोगों को नॉर्मल लाइफ में जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, ये सिखाया जाता है कि बेटा जब भी जेब से पैसा जाए वो खर्चा है। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना पैसा कहीं ऐसी जगह डाल रहे हो जहां से आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलने वाले हैं, तो वो खर्चा थोड़ी ना, वो तो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट आपकी असेट है। जैसे कि कई लोग स्टॉक मार्केट में डालते हैं, कई लोग एफडी करवा देते हैं, या बैंक में भी पैसे डाले। अगर मैंने, इमेजिन मैं गया मैंने बैंक में पैसे डाले, तो क्या वो खर्चा है? पर हमारी लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाता है कि जब भी जेब से पैसा जाए वो खर्चा है। खर्चे जो होते हैं एक्चुअल में दे आर रिलेटेड टू सर्विसेज। सर्विसेज लेना जो है वो खर्चा होता है, चाहे पैसे दे दिए हों या नहीं दिए हों, इसका कोई मतलब नहीं है। यस कृति, सर आपकी स्क्रीन इनविजिबल, ब्लैक क्या? नहीं सबको सर, विजिबल है। सर विजिबल है। कृति नेटवर्क इशू है बेटा आपका दिन। सर मैंने भी तो अभी पहले बिल्स बोला था। बट बिल बेटा सर्विसेज के अगेंस्ट हमेशा नहीं होते, बिल्स गुड्स के अगेंस्ट भी होते हैं। ये तुम पढ़ोगे इस साल अकाउंट्स में। क्रेडिटर्स को भी तो बिल पे हाँ, करना ये इस पे होगा। पूरा एक चैप्टर है तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज करके। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ खर्चे का। कृति आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है ना बेटा, तो चलो हम आपके साथ बात करते हैं, आप और हम बात करते हैं, सबको पता चल जाएगा खर्चे क्या है। कृति आपने कभी रिक्शा किया है? बैटरी वाला नहीं, दूसरे वाला। कितने रुपए दिए थे बेटा उसे? 20। तो उसके पास वो तीन टायर थे, आगे एक पीछे दो, कौन सा लेके घर पे आए थे आप? कोई टायर लेके आए थे घर पे? आपने उसे 20 रुपए दिए थे, बदले में कुछ तो लाए होगे। मतलब उस रिक्शे वाले को जब आपने 20 रुपीज बच्चे दिए, तो उस रिक्शे वाले से आप क्या लेके आए? उसके टायर लेके आए, या उसकी जो घंटी है, या जो आगे टोकरी लटकी होती है, या उसकी वो ट्रायंगुलर सीट चेन, कुछ लाए हो आप उससे 20 रुपीज जो आपने दिए? नहीं। तो पैसे क्यों दिए? हम रिक्शे वाले को पैसे क्यों दे रहे हैं फिर? कृति इज गॉन आई गेस। चलो तब हमारे को आंसर अब तनीषा बताए। तनीषा जी चलो आपसे बात करते हैं। आपने रिक्शे वाले को 20 रुपीज 30 रुपीज दिए बेटा, यस सर। तो आप उससे क्या लेके आ रहे हो फिर? मतलब में टायर लेके आ रहे हो, चेन, या फिर? सर हम उससे उसकी सर्विस लेके आ रहे हैं क्योंकि उसने हमें एक डेस्टिनेशन से जहां पे भी हमें जाना था वहां तक पहुंचाने की अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, तो देखो हमने उसे पैसे दिए और उसने बट हमें आया तो सर्विस वो भी है प्रोवाइड हमारे की है। साथ, आया तो वो भी है ना, हाँ तो फिर हम उससे क्यों नहीं लेते पैसे?
क्योंकि सर मेहनत उसकी लगी है। एग्जैक्टली जो टर्म है मेहनत वो उसकी है। देखो आए हम भी आए हैं वो भी है, बट हम अपना आराम से पीछे बैठे हैं इंस्टाग्राम स्नैपचैट देख रहे हैं, रोड पे जो भी सारी चीजें देखनी है कि कब कहाँ कैसे टर्न लेना है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, या फिर जो एफर्ट लग रहा है वो सारा का सारा उस रिक्शा वाला का है, हमें वो उस चीज की सर्विसेज दे रहा है जो वो काम कर रहा है, तो उसके बदले जो हम उसे पैसे देते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस। मीनिंग क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट एक्सपेंस क्या होते हैं? नो सर। एक और एग्जांपल देता हूँ, इमेजिन करो तुम लोग मार्केट गए एनएसपी या कहीं पे भी हटसन वगैरह, तुमने वहां पे जाके मैगी खाई, तो जो 20 रुपए वाली मैगी नॉर्मली हमें मिल जाती है मार्केट से, और वही अगर आप जाके किसी वहां रेस्टोरेंट वगैरह पे खाओ या किसी स्टॉल वगैरह पे खाओ, तो वहां पे कितने की पड़ती है हमें? 100 अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज। तो वो एक्स्ट्रा रुपए क्यों ले रहा है भाई, मैगी तो 20 रुपए की थी सारी। क्योंकि बनाने में उसकी मेहनत लग रही है और उसका सामान। हाँ देखो गैस वगैरह लगी उसकी, या फिर उसने बटर वगैरह डाला, वो सब उसकी चीजें हैं, या उसने मैजिक मसाला जो होता है मैगी का एक्स्ट्रा वाला वो भी डाला, तो भी मिला के 20 रुपए से चीज जो है 30-40 तक की हो जाएगी, बट वो 100 रुपए ले रहा है क्यों? क्योंकि भूख किसको लगी थी? हमें तो खाना किसको बनाना चाहिए था, हमें पर क्या हमने खुद बनाया? नहीं हम किसी आदमी के पास गए, हमने कहा भैया हमारे लिए खाना आप बनाओ, तो जो उसकी मेहनत कर रहा है वो खाना बनाने में एफर्ट जो लगा रहा है, उसके बदले जो हम उसे पैसे देते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, खर्चा। अभी क्लियर हुआ खर्चा क्या है? एक और एग्जांपल देता सर। हूँ, आप लोग कभी ना कभी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट पे बच्चे पढ़े हुए हो, तो जब आप इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हो वहां पे आप जो फी वगैरह देते हो, जैसे कि सपोज आप हमारे इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हो, तो वहां से क्या लेके जाओगे? एसी लेके चले जाओगे या फिर चेयर्स वगैरह उठा के लेके जाओगे, प्रोजेक्टर प्रिंटर क्या लेके जाओगे? नॉलेज पर तुम्हें जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ क्या मेरी कम हो रही है? मेरी तो उल्टा बढ़ रही है। तो तुम किस चीज के पैसे देते हो हमें? ताकि आप हमें हमारी एजुकेशन बढ़ा दो सर। क्योंकि सिलेबस तुम्हारा है, घर पे बैठ के पढ़ना किसको चाहिए, तुम्हें खुद, बट तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में या थोड़ा डेप्थ के अंदर जाके हम लोग तुम्हें सिखाते हैं, तो जो हम तुम्हें अपना टाइम दे रहे हैं अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले जो हम पैसा लेते हैं तुमसे फी, वो तुम सबके लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस। तो आगे से आपको कोई भी कहे कि भाई गाड़ी खरीदी है इस महीने बहुत खर्चा हो गया, तो उन्हें सिखा देना कि जी ये सारी चीजें खर्चे नहीं होते। क्लियर? लेकिन सर अगर हम गुड्स का देखे सर, हम गुड्स मतलब सर अगर राशन का देखे सर, तो राशन खर्चा हुआ फिर, क्योंकि हम लाए वो तो यूज हो गया ना सर थोड़े टाइम में, हाँ जी। कृति तो आप एक बारी एक्सपेंस दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। गुड्स के बारे में बेटा ये ना एक बहुत स्पेशल केस होता है, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे अकाउंट्स में आपको बहुत अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी गुड्स से रिलेटेड, ठीक है? बट सर जैसे आप कह रहे हो गाड़ी लेना एक खर्चा नहीं है, हाँ वो है एसेट भी है वो, लेकिन बट सर हम उसे ले रहे हैं तो सर जब आप कह रहे हो रीसेल करके हम वैल्यू दोबारा ले सकते हैं सर, उतनी वैल्यू थोड़ी मिलेगी। आज 10 लाख की कोई कार खरीदी है, कुछ भी खरीदा है, वापस सेल करते टाइम उसकी वैल्यू 5 लाख हो जाएगी। बिल्कुल सही। चल एक बात बता बेटा, क्या उस टाइम में आप उसे यूज नहीं कर रहे? अगर आपके पास गाड़ी ना होती तब भी तो आप कोई ना कोई कैब वगैरह करते, वो पैसे वगैरह देते ना उस टाइम पे, यस सर, तो तब भी तो खर्चा होता ना आपका। यस सर खर्चा तो होता। ये जो वैल्यू कम हो रही है ना, ये एक तरीके का खर्चा होता है जिसे कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। मे बी आप लोगों ने कभी ये टर्म सुनी हो, नहीं है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कुछ चीजें जो हमने खरीदी थी ज्यादा की, जब बेचने जाओ तो वो कम हो जाती है। अभी वो टॉपिक आएगा आपके सिलेबस में, पूरा चैप्टर है उस पर भी। तो सर वो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, हाँ वो खर्चा हो जाता है। क्यों? डेप्रिसिएशन होता है कि सपोज मैंने सेलफोन लिया 18,000 का, बेचने जाऊं तो 20,000 में बेचूं या 25 में बेचूं? सर दोनों ही वैल्यू में नहीं बिकेगा। एग्जैक्टली सस्ते में बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो गया, वो यूज हो गया। तो जब आप कोई ऐसी असेट्स को यूज कर लेते हो और उनकी वैल्यू जो कम हो जाती है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है? वो सेलफोन से आपने बहुत सारी सर्विसेज ली हैं, उस पे गेम्स खेली हैं, उस पे आपने पूरा टाइम बैठ के अपना सोशल साइट्स देखी हैं, फोटोज क्लिक की हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट किया है, गाने सुने हैं, काफी सारा काम किया, तो उससे जो उसकी वैल्यू कम हो रही है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वो टॉपिक अभी धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे अकाउंट्स में वो आएगा। के
सर, और जो जैसे लोन लेते हैं और सर उस पे जो इंटरेस्ट लगता है सर, वो किसमें कैलकुलेट? बिल्कुल सही जवाब, लोन पे जो हम ब्याज दे रहे हैं वो भी खर्चा होता है, अभी मैं उसके एग्जांपल लिखूंगा। बट अभी फिलहाल मुझे कोई भी एक लड़की बताए कि उनके और कौन कौन से खर्चे होते हैं। हमने सुना लड़कियों के बहुत खर्चे होते हैं, तो कोई भी एक लड़की मुझे बताए जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो लोग करते हैं एज कम्पेयर टू जो ये हम बॉयज कैटेगरी के लोग हैं उसमें से, कोई भी लड़की? कशिश बताया मैं सर, हेयर कट करवाना। एग्जैक्टली देखो बाल, बेटा देखो हेयर कट वैसे लड़के भी करवाते हैं तो, बट हमारा तुम्हारे जितना एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि भाई हमारा जो आता है हेयर कट 100-150-200 रुपए में हो जाता है, तुम्हारे हजारों में जाते हैं। अब है क्या, इमेजिन आप सब लोगों के बाल हैं, आपके बालों की ग्रोथ आपने की है या बार्बर ने की है? हमने करी सर, खुद हुई है वो तो। बेटा वो अगर आप खाना खाते हो ना तो वो डेड सेल्स उससे उसके थ्रू वो ग्रो करते हैं, जो भी चीज होती है, तो वो आपने ही की है अल्टीमेटली। तो बाल काटने किसको चाहिए फिर? हमें खुद काटने चाहिए, बट क्या हम खुद काट सकते हैं? नहीं। तो हम एक भैया के पास जाते हैं, हम कहते हैं यार ये हेयर कट कर दे भाई, उसके बदले जो हम उसे पैसे दे के आ रहे हैं 100-200-2000 जो भी दे के आ रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये अब क्लैरिटी हो रही है कि खर्चे होते क्या। खर्चा कोई भी ऐसी चीज है जब आपके पास से पैसा जा रहा है बट बदले में आपके पास क्या आ रहा है, सर्विसेज। कोई सामान अगर आ रहा हो तो वो कभी भी खर्चा नहीं होगा, बट अगर सर्विसेज आप ले रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस। किसी को कोई डाउट? गाड़ी में सर पेट्रोल डाला सर, जैसे वो तो थोड़ी देर में, तो वो एक्सपेंस हुआ या फिर नहीं? वो एक्सपेंस है, वो गाड़ी में जो पेट्रोल है वो आपकी एसेट नहीं है, वो आपको सर्विसेज दे रहा है। आप गाड़ी का क्या करोगे, गाड़ी खड़े खड़े तो नहीं चलेगी, तो उसमें पेट्रोल जो है वो सर्विसेज देता है कि आपने जो गाड़ी ली है उसको चलाने के लिए वो चीज चाहिए। सर एक और चीज सर, जैसे आपने मैरी का एग्जांपल दिया हम सर, लेकिन अगर हम घर पे भी खरीदेंगे तो वो भी हम लाए और वो तो खा ली सर, तो हमारी कोई एसेट तो नहीं हुई ना सर? वो भी हाँ, वो भी आप लोगों के लिए एक्सपेंस ही है। जो हम खाना पीना, ये जो गुड्स होते हैं, इसलिए जो रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीजें जो हमें सस्टेन करने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी चीजें एक्सपेंस होती है। ये जैसे जैसे आप गुड्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, आगे बढ़ोगे और क्लैरिटी होगी। सर जो ये सब है ईटेबल्स जो आप कह रहे हो सर, वो भी तो उसका भी तो जो लोग बिजनेस करते हैं तो सर उनके लिए तो एसेट ही है। एग्जैक्टली, तो अभी तो मैंने बिजनेस की बात ही नहीं की ना, अभी तो मैं तुम्हारी लाइफ की बात कर रहा हूँ। अब बिजनेस पे अब हम आ रहे हैं, ठीक है, क्या बिजनेस के एक्सपेंसेस भी ऐसे ही होते होंगे? एग्जाम्पल फॉर बिजनेसेस एक्सपेंसेस, कि उसको भी मैगी खानी थी, उसको भी रिक्शा पे जाना था, उसे भी ट्यूशंस पढ़नी थी, हेयर कट करवाने जाना था, बिजनेस के खर्चे कौन से होते हैं? लॉसेस एंड वेजेस। लॉसेस कभी खर्चे नहीं होते बेटा, लॉसेस अलग टर्म है, एक्सपेंस अलग टर्म है। ये सही जवाब दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, चलो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहली बात मैंने लिखी वेजेस पेड, एक मैंने लिखी सैलरीज पेड। कौन बच्चा मुझे वेजेस वर्सेस सैलरीज का डिफरेंस बताएगा, और जिसको आता हो? हाँ जी गौरव, आप बताओ। सर वेजेस जो होती है वो रेगुलर बेसिस पे दी जाती है, जैसे डे टू डे और दो दिन में, और सर जो सैलरीज होती है वो मंथली पे की जाती है। चलो गौरव हमें एक आंसर करे, गौरव आपके डैड बिजनेस करते हैं, जॉब है? सर बिजनेस। इमेजिन के वो जॉब करते हैं, ठीक है, लेट अस इमेजिन के हमारे डैड जो है वो जॉब करते हैं, सो उनकी सर वेजेस, एक वेजेस पे वो पहले एक बार ये वाला पॉइंट क्लियर कर लें हम लोग, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चीज। 30 डेज की सैलरी से 30,000 है, अगर हमारे डैड 20 दिन काम पे ना जाए तो भी क्या उन्हें 30,000 रुपए मिलेंगे? सर वो तो डिपेंड करता है कि यस सर पेड लीव भी तो होती है सर। नहीं, पेड लीव में हटा रहा हूँ सपोज। नहीं सर, जी सर नहीं, नहीं मिलेंगे। पर सर और भी तो जॉब्स होती हैं जहाँ अगर आप हॉलीडे करो तो आपके फी सैलरी से कटनी होती है, काम बाद में करना पड़ता है। चलो आप लोगों के घर पे मेड आती है ना, इमेजिन अगर नहीं आती, इमेजिन कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमारे घर पे मेड आती हैं, तो आप उनको सैलरी देते हो? यस सर सैलरी देते हैं। सही में सर मेड को वेजेस देते हैं? यस सर वेजेस देते हैं।
सैलरी तो सर मंथली बेसिस पर होता है ना, वेजेस या तो वीकली या डेली बेसिस पर मिलती है। चलो यूएस के अंदर अगर बेटा जाएगा ना अक्षत, वहां पे वीकली सैलरीज दी जाती हैं, या कनाडा में पता है वहां पे वीकली भी होती है। सर वेजेस सर लेबर को दी जाती है, मतलब लेबर और दिहाड़ी पे बिल्कुल सही। अब सही आए हो तुम सारे के सारे लोग। वेजेस लेबर को देते हैं और सैलरी एम्प्लॉयज को देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। एक्चुअल में देखो ये जो एक डिफरेंस होता है ना कि भाई वेजेस डेली बेसिस सैलरी मंथली बेसिस, ये सब चीजें बकवास है। ये हमें ना वो लोग सिखा देते हैं सोसाइटी के जिनको कॉमर्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर हम उन्हें ऐसे कंफ्यूज करें ना कि अगर वेजेस और सैलरीज मंथली और डेली बेसिस पे है, तो उनसे ये पूछो कि हमारे घर पे जो मेड आती हैं वो फिर सैलरी अर्न करती हैं? नहीं, उन्हें वेजेस दिए जाते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? वेजेस जो होते हैं बेटा वो अनस्किल्ड काम के लिए होते हैं, वेयर एज सैलरी जो है वो स्किल्ड काम के लिए दी जाती है। आपके घर पे जब मेड आती हैं तो आप उनका इंटरव्यू लेते होगे कि उन्होंने एमबीए कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से थी, क्या उनके पास डिग्रीज वगैरह है, प्रॉपर होता होगा ऐसे, है ना? सर बट जब आप जॉब के लिए कहीं जाते हो या कोई आपके पास जॉब के लिए आता है, आप उनसे जरूर ये चीज पूछते हो, है ना? सो आगे से कभी भी कोई आपको कहे कि वेजेस और सैलरी का क्या डिफरेंस है, तो डेली मंथली कोई चीज नहीं है, सब चीजें बकवास हैं। जो असली डिफरेंस है वो ये है कि वेजेस अनस्किल्ड काम के लिए होती है, वेयर एज सैलरी जो है वो स्किल्ड लेबर को दी जाती है। अगर कोई मेरे साथ अभी भी इस चीज पे आर्गुमेंट करना चाहता है, देन आई एम ओपन। क्लियर हो गया सर? एक बारी वेजेस की डेफिनेशन बताना क्या होती है। वेजेस बेसिकली बेटा किसको देते हैं आपके हिसाब से, जो ये मजदूरी या दिहाड़ी जो टर्म है किसको दी जाती है? सर ये जो लेबर वर्कर होते हैं जिनको कुछ टाइम के लिए काम कराते हैं। एग्जैक्टली, कुछ टाइम का मतलब नहीं है, जैसे ठेके पे भी काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो होता क्या है, आपका घर बन रहा है तो ईंटे किसको उठानी चाहिए वहां पे? हमें। पर क्या हम उठा सकते हैं? नहीं। तो हम एक अंकल के पास जाते हैं, हम कहते हैं अंकल यार हमारे घर पे ना ये ईंटे हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक लेके जानी है। अब इसके लिए क्या उसका क्वालिफाइड होना कोई जरूरी है कि भाई उसने बीबीए एमबीए या बीकॉम वगैरह की हो कुछ? नहीं। तो उसके बदले जो आप उन्हें पैसा दे रहे हो, चाहे पर डे दे रहे हो या एक हफ्ते का एक साथ दे रहे हो या एक महीने का एक साथ दे रहे हो, वो वेजेस ही कहे जाएंगे हमेशा। बट अगर हम कारपेंटर का एग्जाम्पल ले तो सर उसका तो काम स्किल्ड ही हुआ ना एक तरह से, क्योंकि वो तो सर बना रहे सर लकड़ी से। अगर आपकी अलमारी बना रहे सर, हम थोड़ी ना बना सकते हैं वो। फिर देखो ये चीज बिल्कुल सही है, बट पता क्या होता है, अगर वो कारपेंटर कहीं जाके जॉब कर रहा है तो वहाँ पे उसे सैलरी मिल रही होगी, उसे वेजेस नहीं मिल रही। सर नॉलेज तो है ना वो। तो सर फिर वो अनस्किल्ड स्किल आए कैसे सर? फिर तो वही वाला एग्जांपल आ गया कि उसको दिन का मिल रहा है, महीने का। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि जेन्युइनली इसके ऊपर ना कोर्सेज होते हैं, अगर तुम्हें पता हो कारपेंटर वगैरह इन सारी चीजों के ऊपर काम होता है, डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह होते हैं। अगर आप कहीं से उससे बुलवा रहे हो, क्या नाम है, अर्बन क्लैप वगैरह से, तो वो लोग स्किल्ड लेबर होगी। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले घर पे कुछ काम करवाया था, पहले मैंने एक नॉर्मल किसी को यहाँ से उठा लिया था, लेबर से, लेबर जो खड़ी होती है उनमें से, एंड देन मैंने वहां अर्बन क्लैप से किसी को बुलाया। अर्बन क्लैप वाला जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी था, और उसने आते ही बता दिया सर ये ना पंगा आपका इस वजह से है, और जबकि मैंने वो काम कुछ दिन पहले किसी और से करवाया था। तो ये डिफरेंस है। तो अर्बन कंपनी वाले जो लोग होंगे वो उनको उनकी सैलरी या कमीशन बेसिस पे उन्होंने रखा होगा, बट जो मैंने नॉर्मल किसी को बुला के लाया हूँ उसके पास ज्यादा स्किल नहीं है, उसने आके ये काम कर दिया, तो उसको वेजेस मिले हैं उसके। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, और कोई कुछ कह रहा था पीछे? सर इसका और कोई डिफरेंस नहीं है फिर? मेन बेटा यही डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो यही होता है। ओके सर। ठीक है, और क्या हो सकते हैं खर्चे बिजनेस के? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, कमीशन देना, इंटरेस्ट देना, और एक टर्म और है जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों ने इस साल सीखनी है, उसका नाम है कार्टेज या फिर कैरेज। कभी सुना है इस टर्म के बारे में? सर किसी को नहीं पता कार्टेज क्या है या कैरेज क्या है? तो ट्रांसपोर्ट खर्चा जो होता है। बिल्कुल सही जवाब। आप में से अगर कभी किसी ने अपना घर शिफ्ट किया हो तो
अपना घर का सारा फर्नीचर कौन लेके गया था कंधों पे तुम्हारे? आप लोग खुद लेके गए थे या किसी को हायर किया? लेबर, लेबर को आपने लाइन में खड़ा कर दिया था, सब लोग लाइन में लेके गए थे। हमने क्या किया, एक टेम्पो हायर किया, वो टेम्पो ओनर ने सारा सामान उठा के नीचे रखा, बट लेके सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो टेम्पो वाला लेके गया। टीई सॉरी, या आप लोगों ने कभी ट्रक देखे हैं? ट्रक पे ऊपर जो होता है विंडशील्ड के ऊपर ना, यहाँ पे एक वो बनी होती है लाइट सी, इधर चिड़िया होती है इधर चिड़िया होती है और बीच में ना कुछ लिखा होता है यहाँ पे, कभी किसी ने ध्यान दिया? Yes, sir. क्या लिखा होता है? गुड्स, कैरेज, कैरियर, गुड्स कैरियर या पब्लिक कैरियर, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कभी देखना नहीं तो। दो टर्म होती है बेटा, एक होती है कैरियर, एक टर्म होती है करियर। क्या दोनों का डिफरेंस पता आपको? Yes, sir. Yes, sir. करियर मतलब हमारा फ्यूचर, कैरियर मतलब जो कैरी करके लेके जा रहा है वो। तो जो कैरी करके लेके जा रहा है उसको जो आप पैसे देते हो, दैट इज कॉल्ड कैरेज। कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, जैसे बुल कार्ट, हॉर्स कार्ट, तो कार्टेज यानी गाड़ी का किराया। तो ये जो भी टेम्पो वगैरह होते हैं, अगर आप देखोगे ना, उनपे कहीं ना कहीं छोटा छोटा लिखा होगा गुड्स कैरियर या फिर पब्लिक कैरियर, हमेशा लिखा होगा, कभी भी नोटिस कर लेना। सिर्फ शायरियां मत पढ़ो पीछे, उसके आगे और भी लिखा होता है वहां पे कुछ। तो ये जो ट्रक वगैरह हैं या जो टेम्पो वाले हैं, इनको जो हम पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टेज एंड कैरेज, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है सर, इसमें इंश्योरेंस आ सकता है? इंश्योरेंस भी खर्चा होता है बेटा। कैसे सर? इंश्योरेंस तो सर हमारी लाइफ सिक्योर कर रहा है या फ्यूचर में हमें रीपे कर रहा है, तो सर कैसे? देखो इंश्योरेंस क्या चीज है, अभी जब हम इस चैप्टर के एंड तक आएंगे तुम्हें सब क्लैरिटी हो जाएगी। अभी फिलहाल हम थोड़े से बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, अगर ज्यादा डेप्थ में ही जाके कहते हो करवाना है तो मैं समझा देता हूँ इंश्योरेंस कैसे है। बताऊं? यस सर बता दो। जैसे कि तुमने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हो अपनी, यस सर, अब आपकी गाड़ी कोई एक्सीडेंटल केस में आ जाती है, तो किसको जाके सारी गाड़ी वगैरह ठीक करवानी चाहिए, किसके पैसे लगने चाहिए? हमारे। पर हमने जब इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो सारा काम हमें कौन करवा के देता है? इंश्योरेंस कंपनी। तो वो हमें सर्विसेज देती है फ्यूचर में। यस सर। ठीक है, तो ये एक बारी आप एक्सपेंसेस का टॉपिक नोट कर सकते हो। आगे से कोई भी बोले कि एक्सपेंसेस या खर्चे क्या होते हैं, वो होते हैं सर्विसेज का लेना। जब आपको सर्विसेज मिलती है वो आपके लिए एक्सपेंस होता है। सर टैक्स एक्सपेंसेस में आएगा? बिल्कुल सही जवाब बेटा, टैक्स भी एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, बिजनेस जो है काम कर रहा है सोसाइटी के अंदर, और वहां पे हमें गवर्नमेंट जो है कई तरह की सर्विसेज दे रही है, जैसे कि रोड्स की मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिक्योरिटी हो गई पुलिस वगैरह के थ्रू, डिफेंस एटसेट्रा। तो उसके बदले जो हम टैक्स देते हैं सरकार को, वो हमारे लिए खर्चा होता है। हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी, हम लोगों को ही फ्यूचर में बेनिफिट देती है। जैसे कि उसने पुलिस के अंदर ज्यादा लोग जो है भर्ती कर लिए और उसके थ्रू जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो गया, जिससे क्राइम रेट कम हो रहा है, या फिर उसने रोड्स वगैरह जो खराब हो रही थी उनको डेवलप कर दिया, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो होती है। तो सो दैट इज व्हाई वो हमारे को ही सर्विसेज फ्यूचर में उसकी मिलती हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके का खर्चा है। और किसी को कोई डाउट एक्सपेंसेस से रिलेटेड? विभिन्नता आपको क्लियर है? सर एक बार कैरियर, कार्टेज और कैरेज का एक बार डिफरेंस बता दो। कार्टेज और कैरेज एक ही चीज है बेटा, आप उसे कार्टेज बोल लो या कैरेज बोल लो, चीज एक ही है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कार्टेज या कैरेज किसको दिया जाता है आप लोगों के घर पे। अदरवाइज मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, कभी फर्नी कोई वो आया था वॉशिंग मशीन वगैरह तुम लोगों के सामने आई हो, या फ्रिज आया हो, या कोई फर्नीचर का सामान आया हो, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा वो या तो टेम्पो में लेके आते हैं या फिर वो एक ठेली पे भैया आते हैं, वो सारा सामान उस पे वो रस्सी से बांध के, एक वो होती ना ठेली। yes, sir. तो yes, उनको sir. आप 200-500 रुपए देते हो अलग से, जो वो सामान लेके आए उसके। वो जो आप 200-500 रुपए दे रहे हो वो आप कैरेज दे रहे हो या कार्टेज दे रहे हो, वो उनकी गाड़ी का किराया है। ठीक है सर, स्क्रॉल करना। सर ऐसे तो कोई चार्जेस नहीं देता है, आई थिंक होते हैं बेटा हमेशा।
बट वो कंपनी भी क्या करती है, वो तुमसे बिल के अंदर लिखवा लेती है भाई। बाकी कई कंपनीज अपनी जेब से भी देती हैं, क्योंकि वो अपनी इस तरीके से ना उनकी बिजनेस जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट हो जाती है उनकी, कि ये कंपनी अपना कार्टेज, हाँ मार्केटिंग है उनकी, कि ये कंपनी जो है कार्टेज जो है या डिलीवरी जो है खुद अपने उससे करवाती है, बट वो अल्टीमेटली तुमसे पैसा निकलवा ही लेते हैं। फिटिंग के तो सुने हैं सर, इसके नहीं सुने मैंने जो आप कह रहे हो डिलीवरी के होते हैं। तो ये रेंट पेड लिखा है? हाँ जी बेटा। जैसे आप किसी के घर में रह रहे हो, आप वहां पे किराया दे रहे हो, अब क्या वो किराया देने से वो घर आपका हो गया क्या? No, बट हमें उस घर में जो भी चीजें हैं उनकी सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे फैन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें। तो जो रेंट आप दे रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाता है? खर्चा। सर्विसेज जो मिलती है उसके लिए भी तो पे करना होता है। इसके अलावा यार एक बात बताओ, तुम सड़क पे सोगे या किराए के घर में रह रहे हो, कहीं तो तुम्हें कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है ना किराए के घर का? सर बस रहने के लिए जगह मिल रही है और कुछ नहीं। अच्छा, उसके अलावा तेरे को बच्चे, वो मेंटल पीस मिल रहा है? तू सड़क पे सो रहा है, कोई डॉगी आके तेरे को काट सकता है क्या? घर में तू सो रहा है, डॉगी आएगा, भौं भौं करेगा, तू डोर खोलेगा कि हाँ भाई क्यों भौंक रहा है, देन वो तेरे को काट के चला जाएगा, ऐसा होगा? नो सर, ऐसा नहीं होगा। तुम सड़क पे सो रहे हो, कोई जो है कोई भी ट्रक ड्राइवर या कोई भी सपोज अपनी गाड़ी लेके तुम्हारे ऊपर चढ़ गया, अब तुम घर में अपना सो रहे हो, कोई आएगा हॉर्न बजाएगा, डोर बेल बजाएगा, तुम आओगे नीचे, हो तुम्हें ट्रक या गाड़ी के सामने खड़ा करेगा और उड़ा देगा, फिर ऐसा होगा? नो सर। तो हमें जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो भी मिलती है किराए के घर में। तो ये रेंट जो है हमारे लिए एक तरीके से खर्चा है अगर हम दे रहे हैं तो। सबने नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? यस। किसी को और कोई डाउट खर्चों से रिलेटेड? सर बस उसका नहीं समझ आया सर, राशन का, अगर वो आप कह रहे हो जैसे बाद नहीं आया। हाँ जी, वो गुड्स वगैरह आपको आगे जाके समझ में आएंगे बेटा। कमीशन क्या चाहिए? कमीशन क्या चीज होती है बेटा आपके हिसाब से? कमीशन और टैक्स का होता है। चलो मैं तुम्हें एक बड़ा मस्त एग्जांपल देता हूँ कमीशन का। सो एक लड़का है से JNK से, एंड देयर इज दिस गर्ल फ्रॉम कन्याकुमारी, दोनों अनमैरिड है, दोनों शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, बट इसको अपने एरिया में नहीं मिल रहा, गर्ल को अपने एरिया में नहीं मिल रहा कोई भी सूटेबल मैच। तो होता क्या है, क्या ये दोनों वैसे आपस में एक दूसरे से कभी मिल सकते थे? क्या चांसेस हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मिल पाए? नहीं सर, बहुत कम चांसेस है। तो हुआ क्या, एक मैरिज ब्यूरो है, उसके पास इसका भी प्रोफाइल था, इसका भी था, इन्होंने मैच करवाया और इन दोनों की जो है शादी हो गई। तो जब शादी होती है तो उस टाइम पे मैरिज ब्यूरो ना अपना कुछ कमीशन चार्ज करता है उस टाइम पे। वो कमीशन किस चीज का है इनका? शादी पे जो खर्चा होता है उसके ऊपर? नहीं नहीं सर, जो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड कर दी। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली, क्योंकि इन्होंने सारी कुंडलियां वगैरह मिलाना, सारी जॉब प्रोफाइल जो भी इन्हें चाहिए, मैरिज प्रोफाइल वगैरह सारी की सारी मैच करवाई, इतना दिमाग लगाया कि इस लड़के के लिए अगर 50 सूटेबल कोई ऑप्शन थे उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, एंड देन उन सबके साथ मीटिंग वगैरह करवाना, बारी बारी कॉल्स लगती हैं दोनों घर पे या चैट के थ्रू बात करना, इतना टाइम इन्वेस्ट किया इन लोगों ने। करना किसको चाहिए था? इन दोनों को खुद ढूंढना चाहिए था एक दूसरे को, बट ये दोनों पॉसिबली मिल ही नहीं सकते थे एक दूसरे से। सो यहाँ पे मैरिज ब्यूरो अपना जो कमीशन लेता है दोनों पार्टीज से, वो उनके लिए, इन दोनों फैमिलीज के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। कोई डाउट? नो सर। हर्षित, आप कोई डाउट बेटा? इसका एक और एग्जांपल भी है। आप लोगों ने कभी कोई अगर देखा हो, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं किसी डीलर के थ्रू, तो उनको 1% 2% का कमीशन दिया जाता है। Yes, तो, क्योंकि एक प्रॉपर्टी का ओनर था जो सेल करना चाहता था, हम बायर हैं, बट हमें कोई जगह नहीं मिल रही, उसको कोई बायर नहीं मिल रहा। अच्छा, तो जो ये डीलर था, इस डीलर ने क्या किया, हम दोनों को एक दूसरे के साथ मीट करवा दिया और हम, मैंने सामान जो है प्रॉपर्टी परचेज कर ली, जो सर है उन्होंने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। तो बदले में जो इसने सर्विसेज दी हैं उसके बदले जो हम पैसा देते हैं वो 1% बोथ साइड्स का कमीशन हो जाता है इनके लिए। ठीक है? Yes. अब जब भी आपका खर्चा होगा आप सबसे पहले तो कर दोगे कैपिटल में से माइनस, और जब भी कैपिटल में माइनस करोगे उसका रीजन वहां पे उस खर्चे का नाम आ जाएगा।
जब आपका खर्चा होता है आप बदले में क्या करते हो, पैसे दे देते हो या नहीं देते? दे देते हैं पैसे। दे देते हैं। तो जब भी एक्सपेंस होगा उसके ये दो इफेक्ट होते हैं, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है दैट ही पेड सैलरीज रुपीज 10,000 इन कैश। सबसे पहले सैलरी पे करना हम लोगों के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। तो आप सबसे पहले कर दो कैपिटल में से माइनस 10,000 रुपए, रीजन आ गया सैलरीज। सर तो सैलरीज नहीं है, एक्सपेंस लिखेंगे। सैलरी का नाम आएगा, मतलब जो भी खर्चा उसका नाम आएगा। ओके। बदले में हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश माइनस हो गया 10,000। अगर हमारे पास लिखा हुआ है दैट ही पेड वेजेस रुपीज 5,000, कुछ नहीं बताया कैसे पे हुए कैसे नहीं हुए, तो सबसे पहले वेजेस पे करना हमारे लिए एक्सपेंस है। हमने कैपिटल में माइनस कर दिया 5,000, रीजन हमने लिख दिया कि हमने क्या किया, वेजेस दिए। कुछ नहीं बताया होता तो क्या मानते हैं, कैश या उधार? उधार। क्या हो गया भाई? सॉरी सॉरी सर, मैं पूछ रहा हूँ सर कि कैपिटल में से जब हमने माइनस कर दिया तो हम कैश में से भी क्यों कर रहे हैं सर, दोनों जगह से क्यों माइनस कर रहे हैं? बेटा खर्चा है तो कैपिटल में माइनस हुआ, क्या हमारी जेब से पैसे गए या नहीं गए? गए। तो पैसे गए तो कैश माइनस भी तो हो जाएगा सर, बट जब 10,000 रुपए जैसे आपने 5,000 दिए थे सर, कैपिटल में से तो हो गया ना सर माइनस। कैपिटल में से माइनस क्यों हुआ? कैपिटल से पैसे फिर हमारे पास आएंगे एक तरह से, ये नहीं हुआ। नहीं नहीं, एक चीज समझ, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तूने पूछ ली भाई, तू बहुत डेप्थ में चीजें सोचता है यार कृष्णा, बहुत कम बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं मेरे से। चलो देखो, ये खर्चा जो है पेमेंट बिजनेस ने की है तो ये हो गया, बट एक्चुअल में जो भी ये वेजेस वगैरह दिए जा रहे हैं किसको काम करना चाहिए था वैसे? हमें, बिजनेस मैन को करना चाहिए था टेक्निकली, बिजनेसमैन को, है ना? पर क्या उसने किया? नहीं। तो हम उसे कहते हैं कि भाई जो तेरी कैपिटल थी उसमें से 5,000 रुपए कट हो गए। मतलब सपोज हमने वर्कर को रखा है, हमने एम्प्लॉय को रखा, हमने कैपिटल, तो वैसे हां तो बस वो इसलिए माइनस हो जाता है। क्लियर? कैश दे दिया तो कैश से क्यों हुआ सर, जब कैपिटल से तो हो गया ना। चलो इस चीज को समझते हैं, हम लोग बिजनेस, बेटा ये अंदर बिजनेसमैन है, इस बिजनेस के सारे काम किसको करने चाहिए? बिजनेसमैन को। सारे काम बिजनेसमैन को करने चाहिए, सही जवाब है। बट बिजनेसमैन ने क्या कहा कि भाई मेरे से ये काम नहीं होगा तो मैं एक बंदे को बुला लाता हूँ और वो ये काम कर देता है। तो अगर देखा जाए करना चाहिए था बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन ने इस आदमी से करवाया, और पैसे किसको देने चाहिए थे फिर? बिजनेसमैन को अपनी जेब से देने चाहिए थे। बट वेजेस कहाँ से पे हुए हैं? हमारे कैश से हुए हैं ना। तो हम उसे कहते हैं कि भैया देखो, हम आपके 1,00,000 रुपए सपोज देते थे, अब वो काम करना चाहिए था आपको, बट आपने खुद ना करके किसी और से करवाया और पैसे मेरे लेके दे दिए उसको, तो अब हम आपके 5,000 रुपए काट रहे हैं, तो अब आपको हम 95 देते हैं। फिर अब समझ आया कि माइनस क्यों हो रहा है? एक तरह से तो बिजनेस ने बिजनेसमैन के पैसे काट दिए। हाँ जी, क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस के पैसे दिए। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज समझ में आई? हाँ सर, ये बहुत डेप्थ की चीज है, ये मैं एंड में सिखाता हूँ साल के। चलो अच्छी बात है, बाकी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो एक सिंपल सी चीज है बेटा, ये रूल होता है कि जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल में माइनस होते हैं। अब ये रूल क्यों बनाया गया ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो समझ में आता है, बट अगर किसी को ये एग्जांपल समझ में आ गया तो उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि खर्चे कैपिटल में से क्यों माइनस किए जाते हैं। आ गया सर समझ। ये दो एंट्रीज, किसी को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को? नो सर। अनव, भाविक? नो सर। जतिन, कशिश? नो सर। नो सर। केशव? नो सर।
कृति, माधवी, मानक? नो सर। प्रियाशा बच्चे आपको? नो सर। ठीक है, ये दो एंट्रीज आप लोगों को नोट करो, और तीसरी एंट्री मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, थोड़ा दिमाग लगाना, देखना, ठीक करो। ही पेड, अरे एक बार फिर से समझा दो कौन सी चीज बच्चे? सर सेकंड वाला, सेकंड कल्प। कल्प बेटा हमने वेजेस पे किए 5,000 रुपए। वेजेस पे करना हमारे लिए क्या होता है? जब हम वेजेस दे रहे हैं तो बदले में हम क्या ले रहे होंगे? सर्विसेज यानी खर्चा है। खर्चे कैपिटल में माइनस हो गए, और आपके पास से कुछ नहीं बताया कैसे पे किया, तो कैसे किया होगा? कैश में ही किया होगा अपने आप? बेसिकली जब भी कोई खर्चा होता है ना, उसका सीधा सीधा इफेक्ट यही होगा, कैश माइनस और कैपिटल माइनस, चाहे आप कुछ भी देख लो दोनों तरफ। ठीक है, ये दो एंट्रीज नोट करके तीसरी एंट्री आप लोगों ने ट्राई करनी है सॉल्व करने की। Done, sir. इसका क्या सॉल्यूशन हुआ है हमें आंसर तवलीन करें। $8,000 रीजन आ गया रेंट, और आवाज नहीं आई बेटा मेरे पास, वॉइस ब्रेक हो रही है। इसमें आगे क्या करूं? अच्छा, तो जिन्होंने कर लिया वो बताएं उन्होंने क्या किया। सर क्रेडिटर में 8,000। सर क्रेडिटर में प्लस कर दिए। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं बेटा? जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा होता है। जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा हो, कोई सामान खरीदा आप लोगों ने उधार पे? सर्विस लिया। सामान खरीदा उधार पे सर, तो क्रेडिटर तो नहीं आ सकता। सर पर हमें पैसे देने हैं सर अरुण को, सर इसलिए। गलत जवाब, आंसर हो जाएगा कैश माइनस 8,000। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि कुछ भी हो जाए, जब भी खर्चा होगा उसके यही दो इफेक्ट होंगे हमेशा। अब ध्यान दो, तुम लोग ना चीजें भावुक होके करते हो, इमोशनल फूल होके, तुम चीजों को इमेजिन नहीं करते। मैंने जानबूझ के ये सीक्वेंस बताया कि पहले मैंने इन कैश लिखा, फिर कुछ नहीं बताया, और मैंने स्ट्रेस दिया कि देखो कुछ नहीं बताया हुआ तो कैश है, फिर मैंने नाम डाल दिया तो तुम चले गए परचेज और सेल के कॉन्सेप्ट पे, कि कुछ ना बताया हो तो कैश और नाम दिया हो तो उधार। ये जो तो हमारी अजम्पशन थी कि कुछ नहीं बताया होता तो कैश ट्रांजेक्शन होती है, नाम दिया हो तो उधार की होती है, ये था परचेज और सेल के अंदर। ये परचेज चल रहा है या सेल चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, ये एक्सपेंस चल रहा है। सो दैट इज व्हाई वहां के कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। मोर ओवर लॉजिकली चलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देना। हम दे चुके हैं। अगर तुम इसे एंट्री को इमेजिन करोगे ना बेटा देखने का, तो तुम्हें अरुण को तुम दिख रहा होगा कि तुम पैसे दे रहे होगे, भाई ये तेरा किराया 8,000 रुपए, तो तुम्हारी जेब से कैश नहीं चला गया? तो सर ऐसे तो अगर हम परचेज में देखे तो सर ही परचेज लिखा होता सर, वो भी तो फिर हो गया ना। हाँ तो सामान तो आ जाता है ना हमारे पास। अच्छा। क्या पैसे चले गए उस केस में? सर इस केस में भी तो सर सर्विस आ गई ना। हाँ सर्विस आ गई, खर्चा हो गया, कैपिटल में माइनस कर दिया, क्या पैसे चले गए? Yes, पेड लिखा हुआ है बेटा, पेड का मतलब होता है पैसे दे दिए। पे एबल नहीं लिखा कहीं पे कि अभी भी देना बाकी है, पेड है मतलब आप पैसे दे चुके हो, तो कैश में माइनस। ठीक है, अगर पे लिखा होता तो हमारे उनको क्या कहते? वो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम उस पे आ रहे हैं। ये देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, उस पे हम आएंगे अभी। ओके सर। देखो मेन यही चीज है बेटा, चाहे नाम दिया हो या ना दिया हो, खर्चों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेड लिखा है
इसलिए मैंने तुम्हें फर्स्ट डे कहा था कि सारी चीजें छोड़ देना, जब भी कोई भी आपके सामने ट्रांजेक्शन आए, ए उसकी हिंदी करो, बी उसे इमेजिन करो, एंड सी उसे सॉल्व करो। अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को देखूं, मैंने रेंट दे दिया अरुण को 8,000 रुपए, तो रेंट दे दिया, मेरा खर्चा था खत्म हो गया कैपिटल में से माइनस, और पैसे मेरी जेब से जा चुके हैं, पेड लिखा हुआ है तो मेरे पास से कैश भी चला गया। सारी चीजें भूल जाओ, कोई भी अजम्पशन नहीं अकाउंट्स में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर तुम चीजें सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो तुम्हें पूरी अकाउंटेंसी आती है। ठीक है सिपानी जी, क्लियर है? यस सर। और किसी का कोई डाउट हो इस चीज से रिलेटेड? सर मतलब क्रेडिट पे हो ही नहीं सकता? क्रेडिट पे बेटा सर्विसेज नहीं ली जाती, वो कुछ और कॉन्सेप्ट है, हम उस पे भी आ रहे हैं, बट अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक वही है जो अब आपका डाउट है ना, वो ऐसे ही सारी चीजें लिंक्ड होती हैं, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होगा। अब आपका जो यहाँ डाउट आया वो नेक्स्ट टॉपिक वही है, वही हम क्लियर करेंगे। बढ़ जाऊं आगे? यस सर। यस सर। कृति आपको कोई डाउट बेटा? नो सर। अब बात आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा आज की क्लास में। एक्सपेंसेस तो हमने इसलिए टाइम इतना लग गया क्योंकि आप लोगों की जो नोशन थी एक्सपेंसेस को वो अलग थी, उसको क्लियर करने में। अब आता है कि एक्सपेंसेस के टाइप कितने हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। पहले होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और दूसरे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं बेटा एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, या फिर आप लिख सकते हो इसके लिए एक्सपेंसेस स्टिल ड्यू टू पे, या फिर आप इनके लिए लिख सकते हो दैट एक्सपेंसेस स्टिल पेएबल। तीनों लाइन से क्या चीज समझ में हमें आ रही है? सर कि एक्सपेंस अभी पेड नहीं हुए पूरी तरह से। क्या हम सर्विसेज ले चुके हैं या नहीं ले चुके? ले चुके। तो सर्विसेज जो है वो ले ली हैं। क्या पेमेंट कर दी? यस सर। अभी तक हमने पैसे जो हैं वो नहीं दिए। अब आपने सर्विसेज बेटा ले लिए। सर्विस लेना होता है अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंस, यानी आप सबसे पहले कर दोगे कैपिटल में से माइनस जो भी अमाउंट है, रीजन आ जाएगा एक्सपेंस। क्या पैसे दे दिए? नो सर। देने हैं या भागना है? देने। वो लायबिलिटी, लायबिलिटी का नाम आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसमें हो जाएगा प्लस। किसी को कोई डाउट? जैसे जब हम उधार पे गुड्स वगैरह खरीदते हैं तो क्रेडिटर होते हैं, जब आप सर्विसेज ले लो और पैसे ना दो तो वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है। किसी को कोई डाउट? सर ये जो आपने तीनों पर लाइन लिखी है इनका मतलब एक ही है ना? हाँ, इन तीनों का मतलब एक ही है। बेसिकली जब भी इन तीनों में से कोई भी लाइन आपको दिखे, इसका मतलब वो क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है। ओके सर। एक बार थोड़ा एग्जांपल दें। मैं एग्जांपल पे आता हूँ, एक बार मैं दोनों समझा दूं प्रीपेड भी तो उससे क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार प्रीपेड समझते हैं। आप लोगों के हिसाब से प्रीपेड का मतलब क्या है? पहले ही पे कर दिया लेकिन सर्विस नहीं मिली। सही जवाब। सो ये हैं एक्सपेंसेस पेड फॉर द नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर, या फिर आप इन्हें लिख सकते हो एक्सपेंसेस जो है पेड इन एडवांस, या फिर इसको आप एक और नाम देते हो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। ये इनका
ये इनका एक नाम होता है। अब ऐसा नाम क्यों होता है उसका भी रीजन है, मैं समझा दूंगा अभी क्लास जैसे जैसे एंड होगी तब। सबसे पहले हमने सर्विसेज ले ली या नहीं ली? नहीं नहीं, सर्विसेज नहीं ली। क्या पैसे दे दिए? यस सर। पैसे दे दिए। स्कूल का एग्जांपल आ सकते हैं? मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा तुम लोग कहोगे कि बड़ा मस्त एग्जांपल। मोबाइल रिचार्ज। बिल्कुल सही जवाब। मोबाइल रिचार्ज में प्री पेड बैलेंस चलता है और पोस्ट पेड भी होता है वो आउटस्टैंडिंग। जब तुम में से किस किस के पास पोस्ट पेड वो आता है बिल? सबके पास प्रीपेड बैलेंस चलता है? यस सर। तो प्रीपेड बैलेंस में आप लोगों के पास से देखो कैश चला गया, क्या सर्विसेज आपने यूज कर ली अभी तक? नो। तो वो लेनी बाकी है, अभी यूज करनी बाकी है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस का जो बैलेंस आपके पास आ जाता है असेट हो जाती है। तो इस तरीके से किसी को कोई डाउट आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रीपेड? सर आपने कहा था एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस होते हैं। हाँ जी सर, ये तो हुए नहीं। अच्छा, एक्सपेंस कब होता है, जब हम पैसे देते हैं या सर्विस लेते हैं? दोनों। एक चीज होती है। देखो मैंने जब सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने क्या लिखा था, एक्सपेंसेस जो है उसका मतलब क्या है? सर्विस लेना। ये ना बेटा हमें लोकल लैंग्वेज में गलत चीज सिखाई जाती है कि जब भी पैसा जाए वो खर्चा है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे पैसा नहीं गया फिर भी कैपिटल में माइनस हुआ है, यहाँ पे पैसा चला गया फिर भी कैपिटल में माइनस नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि खर्चों का रिलेशन पैसों से होता ही नहीं है। खर्चों का जो रिलेशन है वो हमेशा सर्विसेज से होता है। अगर खर्चों का रिलेशन पैसों से होता तो जब हमने फर्नीचर खरीदा था कैश में वो भी खर्चा होना चाहिए था, मशीनरी खरीदी थी कैश में वो भी खर्चा होना चाहिए था। बट खर्चे कभी भी पैसों से रिलेटेड नहीं होते। जब भी आपकी जेब से पैसा जाए उसे बोला जाता है पेमेंट या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश। खर्चा कब होता है, जब हम क्या करते हैं, सर्विसेज लेते हैं। तो सर जब हम सर्विस ले लेते हैं और हमने पहले एडवांस में कैश दे रखा हो तो फिर सर्विस लेने के बाद फिर वो लायबिलिटी में आ जाता है? बेसिकली आप कह रहे हो कि हमारा पहले प्रीपेड था अब हमें सर्विसेज मिल गई है उसकी? यस सर। तो इसके बारे में हम आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। बट अभी फिलहाल इन दो टॉपिक्स को समझते हैं। वैसे अगर देखा, अगर कहता है मैं समझा देता हूँ, इमेजिन आपने पहले किसी को पैसे दिए हुए थे तो वो आदमी आपके लिए असेट था प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। यस सर। अब आपको सर्विस मिल गई, क्या अभी भी आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है? नो सर। तो ये माइनस और कैपिटल माइनस हो जाएगी क्योंकि आपको सर्विसेज मिल गई है, तो भी दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगी और ये बहुत अच्छी चीज है जो वहां तक सोच रहे हो तुम लोग। डाउट किसी को प्रीपेड वर्सेस आउटस्टैंडिंग? यहाँ पे कितने बच्चे कभी ऑफलाइन कोचिंग के लिए गए हुए हैं? ज्यादातर बच्चे गए होंगे, ठीक है। अब आप लोग जो अपनी फी होती थी वो पूरे महीने पूरे साल की एक साथ पहले ही पे करते थे या एंड में पे करते थे? पहले। देखो दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, पहले जो मंथ की बिगिनिंग में पेमेंट कर रहे हैं, दूसरे जो मंथ एंड में दे रहे हैं। सपोज आप मंथ बिगिनिंग में पे कर रहे हो तो आपके लिए कौन से तरीके का खर्चा है? प्रीपेड। कि आपके पास से पैसा चला गया, अब आपका हक बनता है उस इंस्टीट्यूट पे आके क्लासेस लेने का। अगर मैं मना कर दूं कि भाई मैं नहीं पढ़ाता तो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ अमाउंट जितना भी होगा सर्विसेज के जो भी है वो खर्चा कट के आपको रिफंड होना चाहिए। तो ये आपकी एसेट हो जाता है प्रीपेड के, भाई मैंने पैसे दे दिए अब या तो मैं सर्विस लूंगा या फिर मुझे मेरे पैसे रिफंड करो। जैसे कि आज से कई साल पहले मेरे साथ हुआ था। अभी आजकल तो सब पेटीएम वगैरह के थ्रू तुम लोग रिचार्ज कर लेते हो, बट उस टाइम पे ना ई रिचार्ज एक नई नई चीज आई थी। उससे पहले ना वो स्क्रैच कार्ड होते थे, 1 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्के से स्क्रैच करो, कोड डालो, देन आपके पास बैलेंस आता था। उसके बाद एक टाइम आया था जब ई रिचार्ज होते थे। तो हमारे घर के पास एक शॉप थी, राजू भैया थे, उनको मैंने पैसे दे दिए 100 रुपए। मैंने कहा भैया ये रिचार्ज कर देना। 2 दिन हो गए मेरे पास अभी तक बैलेंस नहीं आया उसका, प्रीपेड बैलेंस था। मैं गया उनके पास, मैंने कहा भैया यार बैलेंस ही नहीं आया उसका। तो उन्होंने कहा कि भाई सर्वर डाउन चल रहा है वो आ नहीं पाएगा यार, तू कहीं और से करवा ले। उन्होंने मेरे को मेरे पैसे रिफंड कर दिए उस केस में। तो प्रीपेड के केस में अगर मैंने पैसे दे दिए हैं तो 2 चीजें हैं, या तो मैं सर्विस लूंगा या फिर मुझे मेरा पैसा रिफंड करूं।
दोनों ही केसेस में मेरे को कुछ ना कुछ लेना है, वो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट है, तो एसेट में आ गया। बट सपोज आप पूरा मंथ पढ़ रहे हो और आप मंथ के एंड पे आप हमें फी देते हो, तो आप सर्विस ले चुके हो, एक लायबिलिटी सी नहीं लगती कि हाँ यार अब वो फी ड्यू हो गई है, हमें पे करनी है। कई बार मैसेजेस भी आते हैं कि योर फी इज ड्यू, कभी आप लोगों ने देखा हो फी इज पेएबल, तो ये वाली चीज, ये लायबिलिटी हो जाती है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है। अगर किसी को कोई डाउट है एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड में, तो वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ नहीं आ रहा साहिल, सपोज तू मेरे पास पूरा महीना पढ़ चुका है बेटा और अभी तक तेरी फी नहीं आई मेरे पास, क्या तेरा खर्चा हो गया या नहीं हुआ? सर्विसेज ले ली या नहीं ली? ले लिए सर। सो खर्चा हो गया, पैसे दे दिए, देने हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटी का नाम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आप लोगों के पास मैसेज आता है ना दैट योर फी इज आउटस्टैंडिंग या योर फी इज ड्यू, तो वो यही चीज है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही हो जाता है। या आप लोगों के घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है? Yes, sir. आपने वहां पे लिखा हुआ देखा होगा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतने रुपए का है, क्यों? क्योंकि आप सर्विसेज ले चुके हो, बिल बाद में आता है हमेशा। अगर कभी नहीं देखा तो नोटिस कर लेना, अमाउंट पेबल लिखा हुआ आएगा वहां पे, या फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। हाँ सर, तो वो आउटस्टैंडिंग। बिजली का बिल तो प्रीपेड होता भी नहीं होगा ना सर, क्योंकि आपको क्या पता आप कितनी यूज करोगे। एग्जैक्टली, वो प्रीपेड नहीं है, वो हमेशा आउटस्टैंडिंग में आएगा। या पानी का अगर बिल आता है तुम्हारा सपोज, तो उनमें हमेशा यही लिखा हुआ आएगा कि अमाउंट इतना पेएबल है, अमाउंट इतना ड्यू टू पे है, या फिर अमाउंट इतना आउटस्टैंडिंग है। तो वो इसका मतलब यही है कि आप सर्विसेज ले चुके हो और आपको पैसे देने अभी भी बाकी हैं। तो ये आपका हाँ जी सर, रेंट पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा? रेंट डिपेंड करता है आप मंथ की बिगिनिंग में दे रहे हो या मंथ एंड पे दे रहे हो। अगर इमेजिन करते हैं, चलो हम लोग, हमने पूरा महीना हो गया अभी तक किराया नहीं दिया, तो आपको क्या लगता है जो लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी होंगे, वो जब भी हम बाहर निकलते होंगे हमें टोकते नहीं होंगे, यार तुम्हारा किराया नहीं है अभी तक, पैसे देने हैं, ऐसा होता होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, हम खुद अवॉइड करते हैं यार ये दिख ना जाए, वरना ये लैंडलॉर्ड अब बोलेगा पैसे के लिए, तो ये हमारी लायबिलिटी है कि हमें उसे पैसे देने हैं। और यही अगर हमने दिया हुआ है और कुछ भी चल रहा है, हम उन्हें उससे बोलते हैं बिल्कुल खुले होके कि यार मैं किराया भर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना रह रहा हूँ, तो मेरे सर्विसेज पूरी मिलनी चाहिए सारी की सारी, तो कैश चला गया और अब हमारा हक बनता है कि हमें पूरी सर्विसेज मिले, सो प्रीपेड एक्सपेंस जो है हमारी एसेट हो जाता है। क्या चीज बेटा? कमीशन भी दोनों तरीके से हो सकते हैं। बिजनेस में सारी चीजें तीन तरह से हो सकती है, या तो आपने सर्विस ले ली और पैसा दे दिया, यानी वो है नॉर्मल एक्सपेंस। सर्विसेज ले ली, पैसे देने बाकी हैं, तो आउटस्टैंडिंग। सर्विस ले ली, नहीं ली और पैसे ऑलरेडी दे के चल रहे हो, तो वो आपके लिए प्रीपेड है। कुछ भी पॉसिबिलिटी तीनों केसेस में से हो सकती है। जैसे कि आप लोगों में से अगर कभी किसी ने होम ट्यूशन पढ़ी हो, अब होम ट्यूशन में तीन तरीके से होता है। पहला तरीका तो होता है आपने क्लास ली, पैसे दिए, बात खत्म, ये हो गया नॉर्मल एक्सपेंस। सर्विस भी मिल गई, पैसा भी चला गया, कोई डाउट? एक तरीका होता है आपने पांच क्लासेस ले ली, पांच क्लासेस की पेमेंट आपने बाद में करनी है, वो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग कि भाई हम क्लासेस ले चुके हैं, सर्विस हो गई है, पैसे देने बाकी हैं। तीसरा होता है आप पांच क्लासेस या दस क्लासेस की पेमेंट ऑलरेडी करके चल रहे हो, तो आपके वास्ते पैसा जा चुका है, अब आपको या तो क्लासेस मिले, नहीं तो आप उनसे कहोगे जी हमारा पैसा रिफंड कर लो, हम किसी और टीचर से होम ट्यूशन पढ़ लेते हैं। क्लियर? तो सर सैलरी और वेजेस जो आपने पहले लिखवाया था वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में और प्रीपेड एक्सपेंस में नहीं आएगा? दोनों में आ सकती है बेटा, डिपेंड, सैलरी मंथ की बिगिनिंग में दे रहे हो या एंड में दे रहे हो। तो सर वो नॉर्मल एक्सपेंस में क्यों वो आया? अगर वहां पे लिखा हुआ है कि भाई सैलरी दे दी है अभी, मतलब काम भी हो गया और पैसे भी दे दिए, तो वो नॉर्मल है। बट अगर लिखा हुआ है कि भाई काम करवा लिया, पैसे देने बाकी है अभी भी, तो वो लायबिलिटी है। सर,
देखो जो आपने आधा दे दिया है उसकी आधे की सर्विस आपको अगर मिल गई है तो वो खर्चा हो चुका है, बाकी जो आधा आपको अभी देना बाकी है अगर काम पूरा हो चुका है तो वो आधा आपके लिए आउटस्टैंडिंग है। ओके ओके सर।